इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच ये Second T20 मैच जो 2 अक्टूबर शाम के 7 बजे होने वाला है, जिसमें मैं आपको फिर से 6 ग्रैंड लीग के प्लेयर देने वाला हूँ, क्योंकि पिछले मैच में जो 6 प्लेयर दिए थे, जिसमें एक जसप्रीत बुमराह तो खेले ही नहीं, बाकी के जो 5 प्लेयर थे सभी प्लेयर ग्रैंड लीग में आ गए। तो फिर मैं ये 6 प्लेयर में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 6 प्लेयर ग्रैंड लीग में आ जाए, तो वैसे प्लेयर को मैं सेलेक्ट किया हूँ। तो सबसे पहला जो प्लेयर है वो विराट कोहली है, और विराट कोहली के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि एशिया कप में अच्छा खासा खेले हैं, उससे पहले फ्लॉप जा रहे थे, लेकिन ये फिर से फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला मैच में ये फ्लॉप गए हैं। तो इस मैच में मुझे पूरा उम्मीद है कि ये परफॉर्म देने वाले हैं। सेकेंड प्लेयर जो है वो परनेल है, और ये लोग ऑलराउंडर सेक्शन में अक्षर पटेल, माकरन ऐसे प्लेयर के साथ जाने वाले हैं, जबकि परनेल को लोग ड्रॉप कर रहे हैं। और ये पिछले मैच में भी इंडिया के अगेंस्ट जो लास्ट मैच हुआ उसमें 22 रन मारे, उससे पहले आयरलैंड से मैच हुआ था उसमें ये 2 रन प्लस 5 विकेट निकाले थे, उससे पहले फिर आयरलैंड 2 विकेट निकाले थे, और ये जो 22 रन है ये इंडिया के अगेंस्ट में ही मारे थे, और 1 प्लस 1 ये भी इंडिया के अगेंस्ट में मारे थे। तो ये मैं सेकेंड प्लेयर परनेल को लिया हूँ, जबकि ये बॉलिंग सेक्शन में महाराजा मिलेगा, साउथ अफ्रीका की तरफ से है। ये लगभग आपको 1 विकेट हर एक मैच में, पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट से ये 41 रन मार दिए थे। यही महाराजा एक ऐसे प्लेयर है जो रन मार दिए, जो कि साउथ अफ्रीका का 100 प्लस हो गया था रन, नहीं तो 100 के अंडर में ऑल आउट हो जाते। तो ये प्लेयर बॉलर अच्छे हैं, और हर एक मैच में आप देखोगे ये आयरलैंड के अगेंस्ट ये 2 विकेट निकाले थे, उससे पहले इंग्लैंड से मैच हुआ है तो वो एक एक विकेट निकाले हैं। तो लगभग ये एक 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 या 2 विकेट निकाल ही लेते हैं, मतलब कि ग्रैंड लीग के टीम में आ ही जाते हैं। तो हमें क्या मतलब है कौन कितना रन मार रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो पूरे 11 प्लेयर चाहिए ग्रैंड लीग के टीम बनाने के लिए, तो वो टीम बता रहा हूँ। अगला है कि अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह भी लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, और उससे पहले 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के से जो 3 मैच हुए हैं उसमें वो 3 विकेट निकाले, जबकि 2 विकेट वो एशिया कप का मैच का है, तो 1 विकेट तो ये निकाल ही लेते हैं। कि माकरन है, ये भी लास्ट मैच में 25 रन मारे इंडिया अभी लास्ट वाला, जबकि उससे पहले 56 रन, 51 रन, 52 रन, और ये दोनों मैच जो है ये लास्ट वाला ये इंग्लैंड के अगेंस्ट में मारे हैं, और ये 2 मैच आयरलैंड के खिलाफ मारे हैं। 8 प्लेयर में मैं सूर्या कुमार और अश्विन दोनों प्लेयर को रखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है इंडिया जब पहले बैटिंग करेंगे तो सूर्या कुमार ग्रैंड लीग में आपको आ सकते हैं, जबकि अश्विन सेकेंड में इंडिया बॉल करती है तो ग्रैंड लीग में आएंगे। तो दोनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, बाकी के जो प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ पे रोहित शर्मा, केएल राहुल, क्विंटन डिकॉक, रबाडा और अक्षर पटेल, दीपक चहर, हर्षल पटेल। अब इस तरह के जो मेन प्लेयर हैं उसको मैं ग्रैंड लीग में पिक नहीं किया हूँ। ये क्यों नहीं किया हूँ, सिर्फ विराट कोहली को छोड़कर, क्योंकि देखो केएल राहुल है या रोहित शर्मा है या क्विंटन डिकॉक है, कोई भी कह सकता है, जिनको मैच का नॉलेज नहीं है वो भी कह सकता है कि भाई क्विंटन डिकॉक चल सकता है, केएल राहुल चल सकता है, और आपको भी अपने टीम में रखना है कंडीशन के हिसाब से। जैसे रोहित शर्मा पहले बैटिंग करते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसी तरह डिकॉक है सेकेंड में बैटिंग करते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, केएल राहुल है कि ज़्यादातर सेकेंड में बैटिंग करते हैं तो अच्छा करते हैं, जबकि ये दोनों कंडीशन में रन बना देते हैं, जब भी सूर्या कुमार भी उसी तरह है। तो यहाँ पे मैं क्या है, आपको ग्रैंड लीग को विन कराना चाहता हूँ, क्योंकि रिस्की प्लेयर तो 6 आपको निकाल कर दे ही दिया हूँ, उसमें एकाक हो सकता है कि फ्लॉप हो सके, लेकिन बाकी के जो 5 प्लेयर हैं तो उसको आपको आसानी से सेलेक्ट करना है, तो कंडीशन समझो। तो उसके लिए यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच जो टोटल मैच हुए हैं अभी तक 21 मैच हुए हैं, जिसमें 12 मैच इंडिया विन किया, 8 साउथ अफ्रीका। फर्स्ट बैटिंग में इंडिया 12 में सिर्फ 8 मैच को फर्स्ट बैटिंग करने में विन किए हैं, जबकि साउथ अफ्रीका जो 8 मैच को विन किए हैं उसमें फर्स्ट बैटिंग में सिर्फ 2 ही विन किए हैं।
जबकि सिकेंड में ये 8 में 6 मैच को सिकेंड में विन किए हैं। तो साउथ अफ्रीका जब चेस करती हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, जबकि इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, क्योंकि ये चेस करने में सिर्फ 4 ही मैच को विन किए हैं। पिछले मैच में तो पूरा टीम ही क्लैश हो गया साउथ अफ्रीका का, तो इसीलिए इनकी रन नहीं बन पाया। जबकि यहाँ पे आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में मैच होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही मैच हुए हैं और इंडिया पहले बैटिंग करके ऑल आउट हो गए थे 118 पे, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पे चेस किए थे। तो यहाँ पे ग्राउंड का कुछ कहा नहीं जा सकता है। ह्यूमन वाला मैच हुआ है यहाँ पे 3-4 मैच, जबकि कोई बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाया। वैसे ह्यूमन वाले में आपको 150 के अंदर ही रन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे कोई जज नहीं कर पाता है। यहाँ पे क्या है, फ्रेश पिच है और कोई भी मान लो कि साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो फ्रेश पिच होंगे तो हो सकता है कि क्विंटन डीकॉक ही ठोकाई कर दे। तो यहाँ पे आपको जो फाइनली पिच रिपोर्ट होता है वो समझना होता है, जिसके लिए आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन हो जाना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो देखो यहाँ पे पहले टीम में मैं क्विंटन डीकॉक को अपने टीम में ले रहा हूँ, उसके बाद बैटिंग सेक्शन से यहाँ पे देखो इंडिया की तरफ से 4 के टॉप के जो प्लेयर हैं चारों परफेक्ट हैं, आप जिसको चाहे ले सकते हैं। वैसे तो ग्रैंड लीग में मैं विराट कोहली को रखा हूँ, तो फर्स्ट बैटिंग करते हैं इंडिया तो रोहित, साथ में रोहित शर्मा को भी रखूँगा, जबकि वही अगर चेस करती है तो फिर मैं पिछले टीम के जैसा केएल राहुल और सूर्या कुमार के साथ जाने वाला हूं। जब हैंड्रिक्स पिछले मैच में नहीं खेले थे, अगर खेलते हैं तो आप इनको रखना, रिली रिसु है और इसको फिलहाल मैं नहीं रखूंगा, डेविड मिलर के साथ जाऊंगा। तो बैटिंग सेक्शन से मेरा 3 प्लेयर हो जाएंगे, जबकि ऑलराउंडर सेक्शन में आप अक्षर पटेल और माकरन दोनों के साथ जाना, जबकि ग्रैंड लीग में अगर पेटोरियस खेलते हैं तो इनको आप रख सकते हो। फिलहाल आप परनेल के साथ जाना, परनेल यहाँ पे आपको कम सिलेक्शन वाले प्लेयर देखेंगे। तो ऑलराउंडर सेक्शन में भी 3 प्लेयर को रखा हूँ, जबकि बॉलिंग नहीं खेलेंगे, रवाडा है, रवाडा को भी मैं इस टीम में नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा जो प्लेयर होंगे एक हर्षल पटेल, नौरखिया और दीपक चहर का भी उतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है इस मैच में, अर्शदीप सिंह और महाराजा। तो ये मेरा, तो देखो यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट ग्रैंड लीग की टीम है, जिसमें मैं दीपक चहर की जगह पे अर्शदीप सिंह के साथ जाऊँगा। दीपक चहर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आज कुछ बड़ा नहीं करेंगे, हाँ फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो इनको अपने टीम में ट्राई करना, जबकि सेकेंड में बॉलिंग करेंगे तो मैं अर्शदीप सिंह के ही साथ जाऊँगा, दीपक चहर को ड्रॉप कर दूँगा, या हो सकता है कि कुछ टीम में हर्षल पटेल की जगह पे भी ट्राई कर सकता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट ग्रैंड लीग की टीम है, जिससे आप टीम ज्वाइन कर सकते हो, फाइनल टीम टेलीग्राम पे ही मिलती है। बाकी अगर मैं टेलीग्राम पे टीम नहीं डालता हूँ तो आप इसी लॉजिक से खुद से टीम बनाओ, ठीक है, किसी के भरोसे भी ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए, खुद के भी मेहनत होनी चाहिए। जबकि सेकेंड टीम आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका सेकेंड में बैटिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करूँगा और सूर्या कुमार की जगह पे रोहित शर्मा को ट्राई कर लूँगा, जबकि साथ में पंत के साथ जाने वाला हूँ। नौरखिया को मैं कैप्टन बनाया हूँ और अश्विन को मैं वाइस कैप्टन बनाया हूँ, क्योंकि यार इस ग्राउंड का जो बिहेवियर है ये बॉलिंग फ्रेंडली है, क्योंकि एक ही मैच हुआ है, एक मैच से आप जज भी नहीं कर सकते कि ग्राउंड में क्या होने वाला है। तो जो फाइनल टॉस के टाइम रिपोर्ट आएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके आप ज़रूर आना। ओके, थैंक यू।